पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। राना मशहूद से बासपोर्स के लिए 3 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राना मशहूद के बयान पर आखिरकार पार्टी की तरफ से एक्शन सामने आया है। उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है। कल जब ये बयान मंजरेआम पर आया तो पार्टी की जानिब से इसकी तरदीद की गई और आज इस पर एक्शन लिया गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कह चुके हैं कि वजाहत तलब की जाएगी और इसी मामले पर राना मशहूद को शो कॉज नोटिस भी जारी हुआ। अब राना मशहूद से पासपोर्ट्स के लिए 3 रुकनी खुसूसी कमेटी की तश्कील दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान, आखिर कल के बयान पर आज एक्शन सामने आ गया है। जी बिल्कुल, राना मशहूद साहब ने जो मुतनाजा बयान किया गुज़िश्ता रोज, उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आला सतह इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो मियां शहबाज शरीफ ने किया और उन्होंने उनकी रुकनियत भी मुअत्तल की। पहले शो कॉज जारी किया और अब रुकनियत मुअत्तल की है और 2 से 3 हफ्ते के अंदर, यानी 2 हफ्ते में ही तकरीबन कहा जा रहा है पार्टी जराये के मुताबिक कि वो कमेटी बैठेगी और उसका पूरा जायजा लेगी बयान का और उसके बाद वो फैसला देगी और उसके बाद राना मशहूद के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कमेटी के अहकाम के मुताबिक जो है वो पार्टी सदर जो है मियाँ शहबाज शरीफ वो करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि DGISPR के बयान का आपको बताएं कि मकसद सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राना मशहूद के बयान की कोई